स्वागत है आप सबको एक बार फिर से छवि के व्लॉग्स में। तो गाइस एज यू नो कि आज है युवराज का बर्थडे, कल मैंने आपको बताया था, तो ये व्लॉग कल डलेगा। युवराज का बर्थडे है, हाय फ्रेंड्स। तो इधर इसका रोना स्टार्ट है क्योंकि इसकी डिमांड आज कम हो रही है, तो इसकी थोड़ी सी अगर कमी लगती है तो इसका रोना शुरू है। ये अपनी सबकी अटेंशन अपनी तरफ खींचनी शुरू कर देता है, रो के धो के दिखा के शो करके कुछ भी कैसे भी करके, इसका तरीका है ये। तो गाइज इसमें मैं सुबह का व्लॉग मैंने बनाया था, सुबह की वीडियो मैंने बनाई थी, वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। एंड अभी मैं आपको दिखाती हूँ डेकोरेशन। युवराज ने सुबह ही डेकोरेशन करनी शुरू कर दी थी, सुबह सोते उठते ही उसका यही काम था कि सबसे पहले उसने बैलून ढूंढने शुरू कर दिए थे। और ये मैंने डेकोरेशन करी, तो आपको कैसी लगी ये डेकोरेशन प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। हाँ मारूंगी, मारना मारना मारना, बस मार दो, ये कर दो, सबको मार दो, बस इसको 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 इस तुझे ना मार दूँ, तुझे ना मार दूँ मैं थप्पड़। ये गंदी बातें करते हो। तो ये आपको, ये मैंने डेकोरेशन आज 11 बजे से पहले ही कर दी थी, खाना खिलाने से पहले ही कर दी थी, क्योंकि युवराज ने पहले ही बैलून फुला के रख दिए थे, तो मैंने डेकोरेशन भी पहले ही कर दी। और आज इसने 10 बजे तक मतलब काम वाली जब आई थी उससे पहले ही हमने डेकोरेशन कर दी थी। और क्योंकि उनको बैलून के होते हुए झाड़ू लगाने में दिक्कत होती, तो कुछ बैलून मैंने पहले ही लगा दिए और कुछ बैलून रह गए थे तो वो फिर मैंने बाद में लगाए। तो इस तरह से हमने आज बहुत जल्दी डेकोरेशन स्टार्ट कर दी। तो उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर इन्जॉय करेंगे, तो लाइक करना वीडियो को बिल्कुल भी मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। हाय फ्रेंड्स, ये ब्लॉग शुरू हो रहा था, मुझे पता नहीं था। तो फ्रेंड्स हाय, हाय कर दो, मम्मी हाय, फिर बाय भी करनी है, हाय कर दो। हाय फ्रेंड, जैसा कि आप सबको पता है कल थी 26 जनवरी और आज मुझे बांटनी थी टॉफी, आज टॉफी बांटनी थी क्योंकि कल संडे है, आज मुझे बांटनी थी टॉफी। तो फ्रेंड्स कल मेरा बर्थडे है, कल मैं करूँगा मज़े, आपको भी आना है मेरे बर्थडे पे। और फ्रेंड्स आज मम्मी व्लॉग बनाएंगे एक और ये पहन के झुमका गिरा रहे बरेली के बाजार में वो वाला। तो फ्रेंड्स कल हम बर्थडे के व्लॉग बनाएंगे। बुआजी भी आएंगी मेरी, एक बुआजी तो आके चली भी गई है, कल ही गई थी मैं, कल से पहले क्या पूरा वर्ड लेके आई थी मेरे लिए, कई सामान लेके आई थी बुआ जी। तो मम्मी अभी तैयार होंगी। फ्रेंड्स अभी अविराज गया है स्कूल में, मेरी छुट्टी कर दी है। जैसे आपको बताया आज मैं टोपी बांटना, छुट्टी तभी करी है जब मैं कहता हूँ ना कि आज तो मेरा कल तो मेरा फेवरेट दिन हो गया 26 जनवरी को, जब मैंने ऐसा कहा था रात में तभी मैसेज आ गया। तो मैंने जैसे ही देखा उई मामा, मेरा ऐसा सा रिएक्शन हुआ। फ्रेंड देख लीजिए मेरे घर के इतना अच्छा हो रहा है, ये मैं पढ़ाई कर रहा था यहाँ पर। फ्रेंड्स शाम के बचे हैं 3:30 और अविराज कर रहा है एंजॉय स्ट्रॉबेरी से। स्ट्रॉबेरी युवराज ने दिलवाई थी, मम्मी युवराज स्ट्रॉबेरी दिलवा दो, लेकिन उसको पसंद नहीं आई और अभी अविराज इसको एंजॉय कर रहा है, पसंद इसको भी नहीं है, बस खेल रहा है रंग बिरंगी स्ट्रॉबेरी से, क्योंकि बच्चे कार्टून में देखते हैं स्ट्रॉबेरी, तो कार्टून्स में स्ट्रॉबेरी देख करके अच्छी लगती है, तो अच्छी देखने में लगती है लेकिन खाने में बच्चों को बिल्कुल भी नहीं लगी। तो ये है आजकल के बच्चों का हाल, इंजॉय कर रहा है, खेल रहा है रख करके कि मेरी स्ट्रॉबेरी। और इधर अविराज युवराज खा रहा है बुरा चावल और देख रहा है कार्टून, और कार्टून नहीं ये कौन से है सुपर मूवीज़। और अविराज लेके घूम रहा है स्ट्रॉबेरी, लेकिन खाया एक भी दाना नहीं, इसमें से एक भी बाइट नहीं खाई। तो ये है आजकल के बच्चों का हाल, लिवा तो ली युवराज ने कि मैं स्ट्रॉबेरी खाऊंगा लेकिन खाई नहीं एक भी। स्ट्रॉबेरी बोलो स्ट्रॉबेरी। तो
इधर बन रही है मेरी, इधर बन रही है मेरी चाय। चाचा जी और बाबा जी, पापा आई मीन टू से आए हैं हॉस्पिटल से, और यहाँ सेक रही हूँ उनके लिए ब्रेड। शाम का टाइम है और ब्रेड के साथ वो लोग खाने वाले हैं, चाय को पीने वाले हैं आई मीन टू से, क्योंकि खाना और नाश्ता एक ही बार गुना देती हूँ तो इसलिए दोबारा जल्दी ही भूख लग जाती है। तो यहाँ गर्मा गर्म पापा की हल्की मीठी की चाय बन रही है, और इसमें मैं थोड़ा सा और मीठा ऐड करके पापा चाचा जी को दूँगी, क्योंकि उनको मीठी पसंद है और पापा को कम शुगर की पसंद है। दोनों के टेस्ट अलग अलग है, और मम्मी का दूँगी दूध। तो यहाँ पर 3 टाइप्स की चीज़ें बेवरेजेस बनकर तैयार हो गई है। यहाँ मैंने पापा की हल्के मीठे की ढक्के रख दी है, और ज़्यादा शुगर की, और ये दूध मम्मी का शक्कर का मीठा रेडी है बन करके। तो 3 तरह की पहचान मैंने कर ली है, क्योंकि दूध को करने की जरूरत नहीं है। और इस स्ट्रॉबेरी वाले लड़के को देख लो, ये बार बार जब भी मैं बोलना शुरू करती हूँ और अपनी जो है एक्टिंग करनी शुरू कर देता है कि मुझे देखे मम्मी और मुझे कैमरे में ले। तो गाइस 4:30 बज गए हैं, और अभी थोड़ी सी धूप है और हम ले रहे हैं धूप का आनंद। और इधर आप देख सकते हैं कि हमारा झंडा उड़ गया है, तेज हवा चल रही है। वो 2 झंडे मैंने लगाए थे, एक यहाँ पर इस कोने पे, एक उस कोने पे, और दोनों में से एक उड़ गया। तो इतनी तेज हवा है, आई डोंट नो, अच्छी तरह से मैंने स्टिक के अंदर डाला था युवराज ने, वो मैंने बांधा था, लेकिन फिर भी उड़ गया है। अभी मैं मम्मी से पूछा है, मैंने कहा मम्मी झंडा कहाँ गया, कहने लगी कि मैंने तो नहीं उतारा, तो इसका मतलब वो उड़ गया। गाइज तो ये हालत है आज की, कि हमारा झंडा भी उड़ गया है। तो देखेंगे हम झंडे को ढूंढ के नीचे, क्योंकि झंडा एक रेस्पेक्टेड चीज़ है, तो उसको संभाल के रखना हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है। देखेंगे नहीं मम्मी, ढूंढ के दिखाएंगे, ये हमारा दायित्व है। भारत माता का झंडा नीचे गिरा, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, पूरा वर्ल्ड तबाह हो जाए, लेकिन भारत माता, भारत। तो ये है आजकल के बच्चों के, ये भी हमारे पैट्रियोटिक बच्चे हैं, और जोश इनके अंदर भरा हुआ है। हो सकता है ये पुराने टाइम का भगत सिंह। तो ये है हमारा अभिराज, और दिखा रहा है स्ट्रॉबेरी। तो ये आप देख सकते हैं, जब ये स्कूल में से आया था 2 बजे से स्ट्रॉबेरी ले रहा है, और अभी तक इसने स्ट्रॉबेरी को रखा नहीं है, जब से स्ट्रॉबेरी से खेल रहा है। और ये 3-4-5 एक डब्बे में, मुझे लगे 10 या 8-9 ही आती होगी, तो उसमें से 3-4 इसके बाबा जी ने, छोटे बाबा जी ने खा ली थी, और ये जो बड़े वाली रखी है, तो ये जब से खेल रहा है ना तो खा रहा है ना खाने दे रहा है। तो ये है हमारे अभिराज की हालत। तो गाइस शाम के 4:45 बज गए हैं, और हाँ टूट गया, और मन नहीं कर रहा नीचे जाने का, धूप चली गई है, लेकिन क्या करें, जाना पड़ेगा। आई थिंक अब जो मौसम है अब चेंज होने वाला है, जो पहले पूरा कोहरे वाली धूप थी, आई थिंक अब पूरा कोहरे वाला मौसम था। हाँ चेंटी स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी दिखा दो। तो आई थिंक अब चेंज होने वाला है मौसम, दिन में धूप रहा करेगी। क्या स्ट्रॉबेरी, हाँ स्ट्रॉबेरी दिखा दो भाई, इसकी स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी दिखा दो, ये कह रहा मेरी स्ट्रॉबेरी दिखा दो, स्ट्रॉबेरी। ना तो खा रहा और ना खाने दे रहा। तो शाम के मौसम के अकॉर्डिंग मैं भी अब नीचे जाती हूँ, और बच्चों को दूध बना के देती हूँ। इसकी स्ट्रॉबेरी देख लो, स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी और चिमटी, तो स्ट्रॉबेरी और चिमटी दोनों ही इसकी देख लीजिए। तो बच्चों को दूध बना के देती हूँ नीचे उतर के। उम्मीद फोटो खींच दूँ तेरे? अच्छा कहाँ जाओगे आप, स्पेस रॉकेट में बैठ के चांद पे जाओगे? चांद में जाओ। तो बच्चों को भी आजकल कार्टून से ये पता चल गया, स्पेस रॉकेट में जा बैठ के चांद पे जाएंगे हम, चांद को देख करके। यहाँ से इसको चंदा मामा दिख गया है, और चांद को देख करके ये कह रहा है कि हम स्पेस रॉकेट में बैठ करके चांद पे जाएंगे। तो ये है आजकल के न्यू डेवलप बच्चे, चांद, चंदा मामा। आपको चाहिए चांद? चाहिए बैठना चांद पे, बैठना।
कैसे बैठोगे चांद पे? स्पेस रॉकेट चाहिए। स्पेस रॉकेट चाहिए आपको? हाँ। क्या करोगे स्पेस रॉकेट का? कल चांद में जाएंगे। कल चांद पे जाओगे आप? तो चांद में जाए। हाँ, हम भी चांद पे जाएंगे। अभी आज मम्मी, बाबा जी, अम्मा जी, हम चांद में जाएंगे। और पापा, हम सब चांद पे जाएंगे, सारे बैठ के जाएंगे गाड़ी की तरह। आप अच्छा। तो गाइज, उम्मीद है कि आपको व्लॉग ज़रूर इन्जॉय किया होगा आपने व्लॉग। प्लीज़ बच्चे के लिए लाइक करना, वीडियो को बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, हैव ए गुड डे, हैव ए नाइस डे। आपका दिन मंगलमय हो। जय श्री राम, जय हरिओम।